हेलो वेलकम टू गाइस दोस्तों, माय नेम इज एसकेआरडी। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि मेरे पास एफ जियो 220 मॉडल का जियो फोन है, जिसमें कि चार्जिंग स्विच ऑफ में सिर्फ शो करता है। जब वन करके चार्ज में लगाते हैं तो मेरा फोन चार्ज शो नहीं दिखाता है। तो दोस्तों ये फोन दूसरा दुकान से रिटर्न होके मेरे पास आया है, तो मैं इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से ठीक करूंगा तो मैं आपको ए टू जेड बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको चार्ज में लगा के देखता हूँ ये शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा फोन बिल्कुल चार्ज उठा लिया है और चार्ज भी हो रहा है। इसमें बता रहा है 50% चार्ज। तो इस प्रकार से लगा के रखते हैं तो 50% चार्ज रहता है आधा एक घंटा तक, लेकिन चार्ज भी नहीं बढ़ता है। और जब वन करके चार्ज में लगाते हैं तो चार्ज शो नहीं करता। तो मैं चलिए वन कर लेता हूं फोन को। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने चार्ज में लगा दिए हैं, फिर भी मेरा फोन चार्ज शो नहीं कर रहा है। तो यहां पे देख सकते हैं आप, यहां पे बिल्कुल चार्ज शो नहीं कर रहा। मैंने चार्ज में लगा दिया है लेकिन चार्ज शो नहीं कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से आपको ठीक करना है, तो सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। मैंने पहले से इसे खोल रखा है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहले से इसमें कोई इसमें छेड़खानी कर दिए हैं दूसरा मिस्त्री, तो ये फोन मेरे पास आया है। तो मैं इसमें दिखता हूँ कि इसमें क्या क्या छेड़खानी किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग आसानी से, यहाँ से पॉइंट जम्फर मारा है और यहाँ पे ब्लेड टाइप डायर रहता है, तो यहाँ से पॉइंट लगाया है। तो देख सकते हैं यहाँ से लिया है जम्फर और यहाँ से जम्फर मारा है, फिर यहाँ से यहाँ पे जम्फर मारा है। उसके बाद एक चार्जर का एक डायट लगा दिया है छोटा सा। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों फिर भी सॉल्व नहीं हुआ है। तो किस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है, तो ऐसा भी हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्व लेकिन इसमें नहीं हुआ है, तो क्या कारण है जो नहीं हुआ है। तो आपको करना क्या है सिंपल सी, तो यहाँ से आपको देख सकते हैं बीच वाला पॉइंट से लेना है और यहाँ पे आपको एक डायोड होगा, रजिस्टर कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर के सिरे में यहाँ से लेकर ये बीच वाला पॉइंट में जम्फर मार देना है, तो आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं जम्फर मार लेता हूँ। तो इसमें बैटरी कनेक्टर का भी चेंज किया है जो सही से नहीं चेंज किया है, जिसके कारण से यह प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो चलिए मैं पहले जम्फर मार लेता हूँ। तो बीच वाला पॉइंट से जम्फर लेना है और सिंपल से आपको यहाँ पे जम्फर मार देना है। तो जो भी आपका 50.400 कर रहा था तो वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और चालू मोबाइल में भी आपका चार्ज शो करेगा। तो चलिए मैं इसको ऑन करके देख लेता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा फोन बिल्कुल ऑन हो चुका है। अब मैं इसे चार्ज में लगा के देखता हूँ क्या मेरा फोन चार्ज शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं इसे चार्ज में कनेक्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने चार्ज में लगा दिया है और यहाँ पे मेरा चार्जिंग भी शो कर रहा है और चार्जिंग भी मेरा जो रियल चार्जिंग था वो चार्जिंग यहाँ पे काउंट हो चुका है और शो कर रहा है। तो पहले क्या होता था, जितना भी चार्ज रहता था कम या ज्यादा तो यहाँ पे 50% चार्ज शो करता था। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम मेरा बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। तो आप भी एक जम्फर से इस प्रकार का प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं नॉट चार्जिंग शो का। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करा था कि इस पे वीडियो बनाए, तो मैं वीडियो बना दिया हूँ दोस्तों। तो मैं एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जम्फर कहाँ से मारा है, कहाँ से। तो देख सकते हैं सिंपल से आपको कुछ करना भी नहीं है। आप बीच वाला पॉइंट से जम्फर लेना है, और डायरेक्टली आपको यहाँ से पॉइंट पे जम्फर लगा देनी है। तो दोस्तों आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो देख सकते हैं बीच वाला पॉइंट से लेना है
और यहाँ पे आपको जम्पर मार देना है तो आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से जम्पर मारना है और यहाँ पे भी मारना है और यहाँ पे भी मारना है, तीनों एक लाइन में। यहाँ से जम्पर मारते हैं तो फिर यहाँ पे जम्पर मारना पड़ेगा, फिर यहाँ से जम्पर लेना है, फिर यहाँ से इस गाइड पे जम्पर मार देना है। अगर इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब जाके आप बीच वाला पॉइंट से लेना है और इस बिंदु पे आपको जम्पर लगा देनी है, तो आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएंगे। जब आप चार्ज मोबाइल को ऑन करके रखते हैं और चार्ज नहीं शो करता है, सिर्फ स्विच ऑफ में चार्ज शो करता है, तो इस प्रॉब्लम को आप इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, जय हिंद जय भारत। हेलो, वेलकम।